बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वेलकम टू मेमू की दुनिया एंड वेलकम टू एन अदर वीडियो। तो आज मैं आपके लिए अपना स्पेशल सब व्लॉग लाई हूँ और उसमें हम बनाएंगे अरबी पराठा और फिश करी। उसकी रेसिपी भी शेयर करूंगी और मैं किस तरीके से काम करती हूँ, क्या करती हूँ वो भी शेयर करूंगी। और ये है भुना गोश्त जो मुनीरा ने भैया भाई के लिए स्पेशली कुक किया है, तो उसकी रेसिपी भी कभी मैं आपसे इंशाल्लाह शेयर जरूर करूंगी। और ये फजर का टाइम में सहरी करने और रोज़ा रखने के बाद, नमाज पढ़ने के बाद मैं अपनी छोटी छोटी सी वॉशिंग मशीन में कपड़े वॉश करने आ गई हूँ। वैसे तो मैं रोज़ के रोज़ कपड़े वॉश कर लेती हूँ और वीक में दो दफ़ा जो बड़ी मशीन है वो बालकनी में पड़ी हुई है वो लगती है और फिर उसमें अम्मी के और हम कपड़े वॉश कर लेते हैं, अब्बू के अम्मी के। और ये है मेरा एक्सरसाइज का सामान। और आप सोच रहे होंगे क्या मैं एक्सरसाइज भी करती हूँ? जी डेफिनेटली, मैं बहुत अच्छे से एक्सरसाइज करती हूँ। ये डंबल्स हैं, इससे सैगिंग ब्रेस्ट वगैरह होते हैं तो वो सैगिंग नहीं रहते। और ये टमी ट्रिमर है तो आफ्टर सी सेक्शन मेरे माशाल्लाह से दो सी सेक्शन हुए हैं और एक सिस्ट का ऑपरेशन हुआ था। अभी लास्ट ईयर ही मेरा सी सेक्शन हुआ था, मेरी बेटी बोर्न हुई थी और खैर फिर उसकी डेथ हो गई, खैर अल्लाह की मर्जी। तो मेरा जो है वो बॉडी फिगर ख़राब ना हो तो इसीलिए मैं एक्सरसाइज भी करती हूँ और योगा भी करती हूँ। हाँ, कुछ टाइम से मैंने बिल्कुल इसको छोड़ दिया था, स्किप कर दिया था। अब मुझे लगा कि मुझे अपनी बॉडी फिगर में बहुत से चेंजेस नज़र आए तो मैंने जो है वो अपने लिए अगेन एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी। और इसके बाद जो है वो मॉर्निंग में मैं कटिंग का काम करने आ गई, तो मैंने कहा आज आपसे मैं अपनी कटिंग की भी रूटीन शेयर करती हूँ। मेरा काम होता है मैं सुबह सुबह में जो है वो कटिंग का काम कर लेती हूँ। और ये मिर्ची इस तरीके से हम ग्रीन चिली को करेंगे तो हमें मशीन की भी नीड नहीं पड़ती है और बहुत अच्छे से चॉप हो जाती हैं। धनिया मिर्ची पुदीना सब कटिंग कर करके और मैं पैकेट्स बना बना के रख देती हूँ। और ये चिकन है अरबी पराठे के लिए तो मैंने इसे भी कटिंग करके फिर अच्छे से वॉश कर लेना था और इसके बाद हमने इसे बॉयल कर लेना था। तो मेरे पास बोनलेस आज गोश्त नहीं था तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, हम जो है वो बोन्स को सेपरेट कर लेते हैं और बहुत अच्छी सी कटिंग हो जाती है। घर में भी कोई ज़रूरी नहीं है कि हम बोनलेस ही ले। हाँ, अगर वो चेस्ट का हम लेते हैं पीस तो फिर उसमें ज़्यादा हड्डी नहीं होती है। तो आज ये सारे काम भी मुझे करने थे और आज जो है वो इफ्तारी की भी, वैसे डेली कुछ ना कुछ नहीं बनाती, रमज़ान और मुबारक में इफ्तारी में डेली कुछ ना कुछ बनाते हैं, बहुत सारी रेसिपीज होती हैं और बहुत सारा फूड्स बनता है, मगर रमज़ान के अलावा कभी कभार कर लेते तो कर लेते हैं। फ्राई आइटम ज़्यादा खाना भी नहीं चाहिए, इससे कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और अपने हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो ये है टोमेटोज और ये जो है ना मुनीरा की अम्मी के घर से जो है सिंध से आते हैं वेजिटेबल्स बहुत सारे, तो ये ना मुझे लगा कि अब ख़राब हो जाएंगे ना और बाहर पड़े पड़े इतना यूज़ में नहीं आ रहे थे तो मैंने कहा कि चलो इसका एक काम करते हैं कि इसकी प्यूरी बना लेते हैं। तो मैंने जो है इसको पानी में पहले साफ़ कर लिया और क्लीन कर लिया और फिर इसको मैं ना इसमें से जो अच्छे अच्छे थे ना जो मुझे कटिंग वगैरह में सैलेड वगैरह बनाना होता है, कभी कभार ज़रूरी नहीं है कि हर रेसिपी में प्यूरी ही यूज़ हो, समटाइम्स हमें जो है वो कटिंग किए हुए भी टोमेटोज चाहिए होते हैं। तो मैंने कहा चलो उसको सेपरेट कर लूँ और जो बिल्कुल खराब थोड़े बहुत ज़्यादा ख़राब लगे तो उसमें मैंने बॉयल करने के लिए विनेगर डाल के इसको बॉयल करने के लिए रख दिया। बॉयल वगैरह का काम मैं जो है वो सिलेंडर पे कर लेती हूँ, उस पर फिर सारा काम एक ही चूल्हे पे स्टोव पे नहीं होता है। और उसमें मैंने हल्दी नमक और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के मुर्गी को भी साफ़ करके धो के बॉयल करने के लिए रख दिया। अब जो है कीमे का भी अरबी पराठा बना रही हूँ। अम्मी अबू वगैरह वो है ना मुर्गी नहीं खाते ज़्यादा, इसमें लहसुन अदरक चॉप किया वो मैंने डाला और नमक और हल्दी डाल के पहले इसको अच्छे से पका लेंगे। और ये ना लाइट फ्लेम पे ही पकाएंगे, लो फ्लेम पे, क्योंकि इससे क्या होता है कीमा है ना वो अलग अलग हो जाता है, वरना ये पानी की वजह से एक साथ हो जाता है, यानी गट्ठे गट्ठे बन जाते कीमे के अगर आप हाई फ्लेम पे पकाएंगे। और ये चिकन टिक्के का मसाला 1 स्पून और चिली जो है हरी ग्रीन चिली मैंने इसमें डाली है और चिली फ्लेक्स डालेंगे, चॉप की हुई ग्रीन चिली, पिसा हुआ गरम मसाला 1/2 स्पून
पिसा हुआ धनिया जीरा हाफ स्पून, पिसा हुआ धनिया 1 स्पून और सोया सॉस 2 टीस्पून। ये डाल के हम इसको, और ये भुना हुआ जो है रोस्ट किया हुआ मेरे पास साबित धनिया है, इसको हाथ से हम ऐसे मस लेंगे तो ये बहुत अच्छा सा क्रश हो जाता है। और ये इसमें डाल के नमक डाल के हम इसको बहुत अच्छा सा, नमक ज़्यादा इसलिए मैंने नहीं डाला क्योंकि चिकन टिक्के के मसाले में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नमक होता है। और हम धनिया डाल के अब इसको 5 मिनट कुक कर लेंगे और स्टफ ऑफ करके इसको डिश आउट करके रख देंगे। फिर हम इंशाल्लाह चिकन का भी इसी तरीके से मसाला रेडी करेंगे। आप यकीन करें ये अरवी पराठा आप ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत ही अच्छा, बिल्कुल बाहर का फ्लेवर आएगा। और ये मैंने नेबर्स को भी दिया था, शायद मेरी नेबर्स कमेंट्स करें। अभी हम चिकन का बनाएंगे तो ऑयल ले लिया हमने एक ढक्कन जितना थोड़ा सा, और इसमें जो है वो चिकन बॉयल किया हुआ था, रेशा किया हुआ वो डाला, लहसुन अदरक चॉप किया हुआ, मिर्ची चॉप की भी, सोया सॉस 2 चम्मच, और यही सारे मसाले डालेंगे, पिसा हुआ धनिया, पिसा हुआ गरम मसाला, पिसा हुआ जीरा। अच्छा, इसमें है ना चिकन टिक्के का मसाला 2 स्पून डालेंगे और चिली फ्लेक्स 1 स्पून और यही धनिया को क्रश करके डाल लेंगे। हाँ, तो मैं ये कह रही थी नेबर ने हमारी ट्राई किया था, अगर वो कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे तो ज़रूर बताएंगे कि कितना अच्छा बना था, और बिल्कुल बाहर जैसा ही बना था। मेरी यही कोशिश होती है मैं आपसे बिल्कुल न्यू रेसिपीज शेयर करूं और डेली व्लॉग्स डालूं, बट ये होता है ना कि हमारी बिल्डिंग में ना काम चल रहा है तो बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है ठाक ठुक, तो मेरे से ये सब होता नहीं है। फिर हम इसमें धनिया डाल देंगे तो मुझे बहुत डिफ़िकल्टीज़ होती है, हालांकि मैं इतनी कोशिश करती हूँ, मेरे पास इतनी स्पेयर में वीडियोज़ बनी हुई पड़ी हुई है, मगर वॉइस ओवर करने जाती हूँ कुछ ना कुछ हो ही जाता है प्रॉब्लम, और इसी वजह से मैं कर ही नहीं पाती हूँ। और ये टोमेटोज़ हैं और इसको मैंने बॉयल हो गए थे तो मैंने, बहुत काफ़ी गर्म थे, मेरे हाथ इतने बर्न हो रहे थे, बट मैंने ना वो जल्दी जल्दी इसको निकाल लिया। अभी मैंने नाइट ड्रेस ही वियर किया हुआ है, मैंने अभी बाथ भी नहीं लिया है, और अजाने जोर की अजाने आ जाएंगे, मुझे सारा काम जो है वो कर लेना था। मैंने कहा कि फटाफट ये सारे काम करूँगी, मेरा दिन, आप सोच रहे होंगे कि ये किचन के अलावा इसके ब्लॉग्स में और कुछ होता नहीं, तो वाकई में मेरा काफ़ी दिन का हिस्सा जो है ना वो किचन में ही निकलता है तकरीबन, क्योंकि लोगों को वैसे तो किसी ना किसी चीज़ का एक होता है कि उनका हॉबीज़ होती हैं, मगर मेरी हॉबी है, मुझे कुकिंग करने का एक क्रेज़ है, और मैं काफ़ी छोटी एज से कर रही हूँ, लाइक मैं 7 या 8 ईयर की थी तब से मैं कुकिंग का काम कर रही हूँ, मुझे काफ़ी शौक था कुकिंग का, तो इसीलिए मेरा दिन का ज़्यादा हिस्सा जो है वो कुकिंग का काम में, और इसमें, और फिर हाँ मैं हुदा आदिया की स्टडी के देखनी होती है, हुदा आदिया का मदरसा देखना होता है, हुदा हादिया को भी मेंटेन, फिर मैं ये सोचती हूँ डेली एक ही चीज़ की आपसे शेयर करूँ, मैं ज़्यादा आती जाती कहीं भी नहीं हूँ, और मुझे ये सब पसंद भी नहीं है इस तरीके से मार्केटों में घूमना वगैरह, कभी कभार निकल जाती हूँ, ज़्यादा नहीं निकलती, एक दफ़ा बस कर ली शॉपिंग तो सारी एक साथ कर लेती हूँ, ज़्यादा मुझे घूमना फिरना पसंद नहीं है। हाँ, कभी वीकेंड में हम ये है कि कहीं चले गए पार्क वगैरह में या मॉल्स में, तो शॉपिंग नहीं, शॉपिंग करने का इतना कोई खास क्रेज़ नहीं है। हाँ, मुझे ये है कि मैं न्यू डिशेस ट्राई करूँ और फिर मुझे सब फीडबैक दें, इस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है कि बस मेरा ये सब हो। अच्छा, मैं मछली का सालन करी की रेडी करूँगी, तो मैंने इसमें थोड़ा सा फ्राई अनियन ले ली, टोमेटोज कटिंग किए हुए 3 ले लिए, और हरी मिर्ची ले ली 4 से 5 अदद, और धनिया और राई मेथी दाना 1/2 स्पून। अब इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर 1 स्पून, रेड चिली पाउडर, पिसा हुआ जीरा 1/2 स्पून, पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून, और नमक थोड़ा सा, और साबित गरम मसाले में सिर्फ ब्लैक पेपर और लौंग यूज़ करेंगे, और छोटी मेथी हमने इसमें थोड़ी सी, अब इन सबको ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेंगे। ठीक है, अब ये अरबी पराठे की रेडी करनी थी, तो ये पूरा मांडा है, आप देखें पूरा गोल मांडा है। अच्छा, मांडे सच्ची बताऊं तो ये काफ़ी दिनों पुराने, क्योंकि हमारे घर के पास पूरा मांडा नहीं मिलता है, कटिंग क्या हुआ मिलता है, और अम्मी के घर जाती हूँ ना फिर वहाँ से ही मैं ले लेती हूँ, और अम्मी के दिन को काफ़ी टाइम हो गया था गए हुए, तो ये काफ़ी पुराने हैं, तो ये फट रहे हैं, मगर हो जाएगा, कवर हो जाता है।
अच्छा, अभी इसको क्या करेंगे, एक बड़ा मांडा रखेंगे और फिर इसके ऊपर एक छोटा तिकोन, हमने जो चार तिकोन कटिंग किए ना उसमें से एक तिकोन करके रखेंगे और फिर तिकोन शेप में ही हम जो है ना वो अपना स्टफिंग करेंगे, कीमा है कि चिकन है, इसकी स्टफिंग करके ऊपर चाट मसाला लगा देंगे और ये अंडा फेंटा हुआ एक फेंट के इस पे लगा देंगे, कच्चा अंडा, ठीक है। और फिर इस पे हम अगेन चाट मसाला छिड़क देंगे और इसको अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। अब फोल्ड किस तरीके से करना है आप देखते जाए, इंशाल्लाह आप बनाएंगे घर में, ट्राई करेंगे, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और इतना डिलीशियस इसका टेस्ट आता है कि मैं क्या बताऊं। आप इंशाल्लाह ट्राई करेंगे तो आप खुद ही बोलेंगे कि हाँ वाकई में इसका बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। और इस तरीके से कर लेंगे इसको चौकोर या रेक्टेंगल शेप में और इसके बाद जो एक्स्ट्रा बचेगा उसको कटिंग कर लेंगे, ठीक है। ये कीमे का तो मैंने अम्मी पापा के लिए खास बनाया है, वो नहीं खाते हैं चिकन, फिर हम खाएं और ये ना खाएं तो अभी अच्छा नहीं लगता है ना। फिर इसी तरीके से हम चिकन का बना लेंगे। काफी बिल्डिंग में काम हो रहा है, इतनी आवाज आती है कि इतना शोर हो रहा होता है कि जिसकी कोई हद नहीं, मेरा काम बहुत डिस्टर्ब होता है। और इसी तरीके से चाट मसाला डाल लेंगे हम इसमें, और ये बॉयल्ड एग था मेरे पास तो मैंने ये डाल दिया और इसके बाद इसको इसी तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पे एक्स्ट्रा साउंड सुनाई दे तो प्लीज अवॉइड कीजिएगा और अभी कुछ दिन के लिए एडजस्ट कर लीजिएगा, कुछ दिन के लिए नहीं क्योंकि हम लोग शिफ्ट हुए ना 3-4 मंथ ही हुए हैं और ये बिल्डिंग भी बिल्कुल न्यू है तो यहाँ पे काफी काम हो रहा है। अब मैं वेट करूँ तो कितना वेट करूँ, क्योंकि एक घर हो तो मैं वेट कर लूँ, अब पूरी बिल्डिंग है तो लोग अब घरों के काम करवा रहे हैं, अब हम किसी को बोल तो नहीं सकते ना कि भाई हम लोगों को काम करना होता है अब ना करें, तो आप लोग एडजस्ट कर लें। अच्छा, फिश करी बनाएंगे और यहाँ भी मुझसे गड़बड़ ये हो गई कि मैंने ऑयल गर्म करके इसमें मेथी ऐड कर ली, मुझे फिश फ्राई करनी थी, फिर मैंने कहा खैर छोड़ो जी आज का दिन चल जाएगा, इसमें एडजस्ट कर लूँगी, क्योंकि वैसे ही मुनीरा ने भी भुना गोश्त बनाया था भैया भाई के लिए और बैंगन का भरता भी बना था, अरबी पराठा भी था, तो इतना फिश का कोई वो नहीं था। और फिर हम इसमें सोया ऐड कर लेंगे तो मैंने कहा चलो खैर है आज का दिन चल जाएगा। वैसे आप लोग करें तो पहले ना ऑयल में फिश फ्राई कर लें क्योंकि इसकी स्मेल कच्चे में ना फिर थोड़ी से ऐसा लगता है वैसे, और ये ब्लेंड किया हुआ मसाला डाल देंगे, थोड़ा ऐसा लगता है कि शायद स्मेल वगैरह आए मगर इतना काफी फर्क नहीं पड़ता है इससे। अच्छा, इसको अच्छे से भून लेंगे बहुत ही अच्छे से और इसका ऑयल ऊपर आने लगे तो इसमें जो है वो फिश ऐड कर लेंगे। फिश भी मैंने ज्यादा नहीं कुक की है क्योंकि घर में आज मैंने आपको बताया ना बहुत सारी डिशेस पकी थी, इसीलिए मैंने 3 पीसेस ही ढाले। अगर आप लोगों को ज्यादा कुक करनी हो तो इसी मसाले में ज्यादा कर लीजिएगा क्योंकि मसाला काफी बना था, ठीक है। अब हम जो है वो अरबी पराठा फ्राई कर लेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे करना है और बिल्कुल कम ऑयल में करना है। मैं आपको बार बार कहूंगी कि बिल्कुल लो फ्लेम पे करना है क्योंकि ये अंदर से कुक नहीं होता है, अगर हम जो है वो ज़्यादा फ्लेम हाई फ्लेम पे करेंगे तो ये अंदर से कुक नहीं होगा। और ये बर्तन देखें आपको ऐसा हो रहा होगा, मैंने चेंज क्यों किया तो ये वो मेरे जहेज का था और मैं ना झूठा दिखावा नहीं करना चाहती, अम्मी के घर में इतने कोई पर्सन नहीं थे तो अम्मी के पास बड़े बड़े बर्तन नहीं है और मेरे जहेज का था तो मैं उसमें ही करने की कोशिश की। अच्छा, मैं ये कह रही थी ना मैं झूठा दिखावा इसके लिए नहीं करना चाहती कि वैसे तो हम पैर पैर पे गुनाह करते हैं, मैं बहुत गुनाहगार बंदी हूँ मैं ये नहीं कहूंगी, मगर इस प्लेटफॉर्म पे आके झूठ बोलना, अगर आपके जितने व्यूज होंगे ना 1,00,000 जितने भी होंगे आपने उन सबके सामने अलहदा अलहदा झूठ बोला, तो यहाँ आके गुनाहों का खाता खोलने से अच्छा जो है सच बताओ तो भाई किसी ने आके वोट नहीं देना यहाँ पे। अच्छा, फिर ये हमारा बहुत अच्छे से कुक हो चुका था और इसको हम जो है वो कटिंग कर लेंगे। ये मुनीरा कटिंग कर रही है और मैं दूसरा फ्राई कर रही हूँ।
ये देखें इस तरीके से चौकोर स्टाइल चौकोर शेप्स में हम कटिंग करके मैं आपको अंदर से दिखाऊंगी कि कितना अच्छा पका है, कुक हुआ है, ये देखें। और अंदर से इसकी अंडे की लेयर्स, कच्चा अंडा था ना, बहुत अच्छी सी बनी है। आप भी ट्राई कीजिएगा और प्लीज मुझे बताइएगा, आप लोग मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तब तो मेरा चैनल आगे बढ़ेगा और मैं भी इंशाल्लाह ग्रो करूंगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर and subscribe.